Good morning, class. This is our new pharmacology class in which today we will study about the antibiotics, the topic comes under the unit of chemotherapy. Now, first of all, what is an antibiotic? Antibiotic is the word originate from the antibiosis, meaning against life. क्योंकि एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोसिस मतलब लाइफ, तो लाइफ के अगेंस्ट जो चीज़ चल रही है उसको अपन एंटी बायोसिस कहते हैं, उसी एंटी बायोसिस से एंटीबायोटिक शब्द बना है. तो एंटीबायोटिक वो सबस्टांस होते हैं जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं या फिर हम उसको लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज करते हैं, जैसे सल्फोनामाइड्स और क्विनोलॉन्स. क्विनोलॉन्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. तो ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह से मिल रहे हैं. क्या काम करते हैं? दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो रोकने का काम करते हैं या उनको किल करने का काम करते हैं. क्योंकि मीनिंग ये ना अगेंस्ट लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट, तो ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा नहीं रहने देते, उनके लाइफ को नहीं रहने देते, उन्हें किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं. ये वो सबस्टांसेस होते हैं. एंटीबायोटिक्स आर द सबस्टांसेस डिराइव्ड फ्रॉम अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूस सिंथेटिकली इन लेबोरेटरी टू किल और सप्रेस द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एंड मोड ऑफ एक्शन. कि वो एक्शन कर रहे हैं, क्या मैकेनिज्म है उनकी एक्टिविटी का, स्पेक्ट्रम क्या है और मोड ऑफ एक्शन क्या, तरीका क्या. इन तीन बेसिस पर अपन क्लासिफाई कर रहे हैं. अब सबसे पहले मैकेनिज्म के बेसिस पर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकते हैं बैक्टीरिया की, या सेलुलर मेम्ब्रेन के फंक्शंस को इनहिबिट किया जा सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट किया जा सकता है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को और फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सकते हैं या उन्हें किल कर सकते हैं. तो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स में पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बेसिट्रासिन और वैंकोमाइसिन आती हैं. सेलुलर मेम्ब्रेन की फंक्शंस को इनहिबिट करने में पॉलीमिक्सिंस नाम की एंटीबायोटिक होती है. प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं क्लोराम्फेनिकॉल, मैक्रोलिड्स एंड क्लिंडामाइसिन. इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स. न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं क्विनोलॉन्स और रिफैम्पिन. फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करती है सल्फोनामाइड्स और ट्राइमिथोप्रिम. अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर जो हमने सबसे पहला बोला कि भाई सेल वॉल के सिंथेसिस को रोक देते हैं, तो कौन कौन सी ड्रग, जैसे बीटा लैक्टम्स आती हैं. बीटा लैक्टम्स में पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बेपेनम्स और मोनोबैक्टन्स आ रही हैं. वैंकोमाइसिन, बेसिट्रासिन. सेल मेम्ब्रेन के लिए पॉलीमिक्सिन. तो वो जो नाम हमने लिए वो यहाँ पर डायग्राम से बताए गए हैं. बाहर सबसे मोटी जो लेयर है वो सेल वॉल है, उसके अंदर पतली लेयर सेल मेम्ब्रेन हम बोल रहे होते हैं. इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली 30S सब यूनिट के लिए टेट्रासाइक्लिन अमाइनोग्लाइकोसाइड है. 50S सब यूनिट के लिए मैक्रोलिड्स, क्लिंडामाइसिन, लिंजोलिड. ये किस कौन सी यूनिट्स हैं भाई? 30S 50S ये राइबोसोम की यूनिट है ना. बैक्टीरिया के राइबोसोम में 50S 30S होती है, ह्यूमन के अंदर 60S 40S होती है. आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर रिफैम्पिन एक्ट करती है. डीएनए गायरेज पर क्विनोलॉन, हमने पढ़ा था डीएनए गायरेज के ऊपर एक्शन होता है क्विनोलॉन का, ये आप पढ़ चुके हैं. और फोलेट सिंथेसिस के ऊपर सल्फोनामाइड और ट्राइमिथोप्रिम का एक्शन होता है. और ये 30S 50S किसके ऊपर एक्ट कर रही है? प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की यूनिट होती है. तो प्रोटीन सिंथेसिस को भी आप रोक दोगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी. अब एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम के बेसिस पर क्लासिफिकेशन. भाई द स्कोप दैट अ ड्रग किल्स और सप्रेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. भाई एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि कोई ड्रग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को किस हद तक रोक सकती है या कितना उसको किल कर सकती है, उसको अपन, उस स्कोप को अपन एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम कहते हैं. जो दो तरह से क्लासिफाई होता है, नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम. नैरो स्पेक्ट्रम की ड्रग्स जो होती हैं वो केवल एक ही तरह के बैक्टीरिया पर या एक ही तरह के बैक्टीरियल स्ट्रेन के ऊपर एक्ट करती है, जैसे आइसोनियाज़िड. जबकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम की
एंटी माइक्रोबियल स्कोप वाइड वैरायटी का शो कर रही होती है, मतलब कई सारे माइक्रोब्स के ऊपर वो अपना एक्शन दिखाएंगी, जैसे टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल वगैरह। तो ये स्पेक्ट्रम एक्टिविटी के बेसिस पर ही है, जैसे माइकोबैक्टीरियम, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्लेमाइडिया, रिक्शिया, ये सारे बैक्टीरिया की कैटेगरी है। अब टोब्रामाइसिन है जो माइकोबैक्टीरियम और ग्राम नेगेटिव दोनों पर एक्ट करती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी दोनों पर एक्ट कर रही होती है पर थोड़ा ब्रॉड लेवल पे कर रही होती है, आइसोनियाज़िड केवल माइकोबैक्टीरियम, पॉलीमिक्सिन केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करती हैं, पेनिसिलिन ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, क्लेमाइडिया तीनों पर एक्ट कर रही है, सल्फोनामाइड, सिफेलोस्पोरिन ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पर एक्ट कर रही है, टेट्रासाइक्लिन माइकोबैक्टीरिया छोड़ के सब बैक्टीरियाज पे असर कर रही है। तो ये है स्पेक्ट्रम के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। तीसरा है मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। तो दो तरह की एंटीबायोटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं ये एंटीबायोटिक्स, जबकि बैक्टीरियोसाइडल वो ड्रग्स हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना एक अलग चीज़ है और बैक्टीरिया को किल कर देना एक अलग चीज़ है। ग्रोथ को रोकते टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन, जबकि बैक्टीरिया को किल करने में सिफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, कोट्रामोक्साज़ोल। अब जैसे पेनिसिलिन में मैंने आपको बताया कि भाई ये सेल वॉल को तोड़ रही है, तो बैक्टीरिया की जब सेल वॉल ही टूट जाएगी तो जिंदा कहाँ से रहेगा, तो इस तरह से बैक्टीरिया को किल ही कर देती है। अब इन एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ भी हो रहा होता है, इसी को अपन एंटीबायोटिक अब्यूज़ भी कहते हैं। एंटीबायोटिक के मिसयूज़ को एंटीबायोटिक अब्यूज़ या एंटीबायोटिक ओवरयूज़ कह सकते हैं। मिसयूज़ या अब्यूज़ जो एंटीबायोटिक्स का होता है उससे हेल्थ के ऊपर सीरियस इफ़ेक्ट पड़ता है, हेल्थ के ऊपर ये काफ़ी बुरा प्रभाव डालती है। अब वो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो कि इस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के क्रिएशन के अंदर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ बैक्टीरियाज के ऊपर मेडिसिंस का असर ही नहीं होता। आपने देखा है कि आप कोई कभी डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर आपको दवाई लिख कर देता है कि ये 3 दिन की दवाई है, 3 दिन बाद मुझे वापस दिखाने के लिए आना। तो ये वापस दिखाने के लिए आने की कहाँ ज़रूरत पड़ी, अगर आप ठीक हो गए तो ठीक है, और ठीक नहीं हुए तो फिर क्यों नहीं ठीक हुए, जब उसने दवाई दी है, 3 दिन आपने दवाई ली है तो आप क्यों नहीं ठीक हुए। क्योंकि कई बार क्या होता है जो हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं, मतलब उन एंटीबायोटिक्स का उन बैक्टीरियाज के ऊपर कोई असर नहीं होता, तो फिर डॉक्टर एंटीबायोटिक को चेंज करके लिखता है कि दूसरे एंटीबायोटिक देकर देखें कि वो बैक्टीरिया मरा या नहीं मरा। और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो एक या दो नहीं कई एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को अपन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कहते हैं, या इनफॉर्मली हम उनको सुपर बग्स कह देते हैं। सुपर बग्स, बग्स आ जाते हैं ना अपने नेट के अंदर, अपन वर्क कर रहे होते हैं बीच में रुकावट आ जाती है, तो वैसे ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं। इन ये कैसे बन जाते हैं, कैसे क्रिएट हो जाते हैं, उनके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स वगैरह। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स वही है जिनके क्या होते हैं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, कि जो हम कह रहे हैं मिसयूज़ या ओवरयूज़ हम एंटीबायोटिक्स का कर लेते तब ऐसे सुपर बग्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, तो यही वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। इसलिए हमारे को बिना कारण के दवाइयाँ नहीं लेती रहने चाहिए। जैसे मैंने कई बार सुना है कि हॉस्पिटल का स्टाफ बोल रहा होता है कि हम एंटीबायोटिक रोज़ लेते हैं ताकि हमारे को इन्फेक्शन नहीं हो जाए, क्योंकि हम तो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो हमें कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप डेली एंटीबायोटिक ले रहे हो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान हो जाएगा, सीरियस इफेक्ट ऑन हेल्थ पड़ेगा, क्योंकि सुपर बग्स को डेवलप कर देते हैं। तो इस तरह की गलतियाँ आप कभी ना करें, ये बात आप ध्यान रखें। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है और क्रॉस रेजिस्टेंस क्या है, तो देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक फिनोमिना है जिसमें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक के प्रति ससेप्टेबल हो जाता है, मतलब उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, एंटीबायोटिक के प्रति ससेप्टेबल हो जाता है और उसके ऊपर बहुत कम जो है बिकम्स लोअर और इवन लूजेस आफ्टर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉन्टैक्ट विद एंटीबायोटिक मैनी टाइम्स। और ऐसा ये जो ससेप्टेबिलिटी है एक्चुअली वो ससेप्टेबल हो क्या जाता है बल्कि उसकी जो ससेप्टेबिलिटी थी उस एंटीबायोटिक के प्रति वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक आपने इतनी बार ले लिए, मैनी टाइम्स अगर आप एंटीबायोटिक को ले लेते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस एंटीबायोटिक के प्रति अपनी ससेप्टेबिलिटी को ही ख़त्म कर देता है, मतलब वो एंटीबायोटिक अब उसके ऊपर कोई असर नहीं दिखा रही। इसको अपन कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और जब कोई बैक्टीरिया यही रेजिस्टेंस किसी एक एंटीबायोटिक के लिए दिखाता है, शो रेजिस्टेंस टू वन एंटीबायोटिक, दे आर ऑल्सो रेजिस्टेंस टू सम अदर एंटीबायोटिक्स,
भाई एक एंटीबायोटिक प्रति उसने रेजिस्टेंस दिखाया और उसी वजह से दूसरे एंटीबायोटिक से प्रति भी उसके अंदर रेजिस्टेंस अपने आप डेवलप हो गया। तो इस फिनोमेनन को अपन क्रॉस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। एक एंटीबायोटिक के तो प्रति था ही उसका रेजिस्टेंस, उसके साथ ही दूसरे एंटीबायोटिक्स कुछ और एंटीबायोटिक्स के प्रति भी वो रेजिस्टेंस शो अचानक करने लग गया, जबकि वो दवाई नहीं ली गई थी उसके बावजूद वो शो करने लग गया, तो ये क्रॉस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहलाता है। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हो जाता है उसके मैकेनिज्म सुनिए। एंटीबायोटिक की टारगेट साइट अगर बदल जाती है कि भाई वो जिस जगह पर एंटीबायोटिक अपना असर दिखा रही थी अगर वो उस पर नहीं दिखा रही किसी और जगह दिखा रही है तो बैक्टीरिया पर असर ही नहीं करेगा, या फिर एंटीबायोटिक के एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाए, एंटीबायोटिक्स के एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाए। अब टारगेट साइट को ऑल्टर करना कि ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वर्ल्ड वाइड के अंदर, जैसे मेथिसिलिन रेजिस्टेंस होता है स्टेफालोकोकस ऑरियस के अंदर। स्टेफालोकोकस ऑरियस जो है मेथिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंस नहीं डेवलप कर दिखाता नहीं है क्योंकि उसकी टारगेट साइट बदल जाती है, तो इसको अपन मरसा कहते हैं, मरसा मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफालोकोकस ऑरियस मरसा कहा जाता है ये। सेकेंड मैंने कहा एंजाइम इनएक्टिवेशन ऑफ द एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है, जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती है पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन, ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम के द्वारा इनएक्टिवेट हो जाती है। अगर बीटा लैक्टमेज एंजाइम इनके ऊपर एक्ट कर दे तो ये इनएक्टिवेट हो जाती है, तो एंजाइम इनएक्टिवेट कर रहा है एंटीबायोटिक, एंजाइम इनएक्टिवेशन ऑफ द एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक को इनएक्टिवेट कर दिया एंजाइम ने जो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। तीसरा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द एंटीबायोटिक आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल, कि हमने जो एंटीबायोटिक दी वो बैक्टीरियल सेल से बाहर निकल गई, अंदर रहती तो उसको इंटरप्ट करती है उसके मैकेनिज्म को, अब वो अंदर है ही नहीं, वो बाहर निकल गई, बैक्टीरियल सेल से आउट हो गई है, तो इसकी वजह से भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। एंटीबायोटिक का बैक्टीरियल सेल से एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किसके द्वारा, इफ्लक्स पंप के द्वारा। इफ्लक्स पंप मैंने आप लोगों को क्विनोलॉन के अंदर भी बताया था, इफ्लक्स पंप वो पंप होता है जो एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया सेल से बाहर धकेल देता है, या आप कहिए कुछ एंटीबायोटिक्स को रिमूव कर देता है जैसे टेट्रासाइक्लिन मैक्रोलिड्स क्विनोलॉन्स वगैरह को, तो इसके थ्रू भी फिर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, दवाई का असर ही नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया की सेल उसको बाहर फेंक रही है। चौथा, डिक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल टू द एंटीबायोटिक, कई बार बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है एंटीबायोटिक के प्रति परमिएबल ही कम हो जाते, तो परमिएबिलिटी नहीं होगी तो दवाई अंदर घुसेगी नहीं, एंटीबायोटिक अंदर ही नहीं घुसेगी, अंदर नहीं घुसेगी तो मैकेनिज्म को इंटरप्ट ही नहीं करेगी। जैसे पोरीन प्रोटीन्स जो होते हैं वो ऑल्टर्ड हो जाते हैं, पोरीन प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर चैनल्स बनाते हैं, तो वो अगर ऑल्टर्ड हो गए तो दवाई अंदर घुसेगी नहीं। जैसे स्यूडोमोनास एरिजिनोसा में रेजिस्टेंस डेवलप होता है पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन के प्रति, तो वो इसी तरह से होता है कि पोरीन प्रोटीन जो चैनल बना रहा है वो बदल जाता है। अब ये दिखाया हुआ देखिए जी कि परमिएबिलिटी डिक्रीज हो गई है बीटा लैक्टम एंटी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के द्वारा, दूसरा इफ्लक्स पंप के द्वारा, टेट्रासाइक्लिन क्विनोलोन मैक्रोलिड जो अभी अभी बढ़ रहे थे वही सारे नाम है, एंजाइमेटिक एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन हो सकता है, टारगेट अगर ऑल्टर्ड हो जाए जैसे बीटा लैक्टम क्विनोलोन वगैरह सबके अंदर टारगेट ऑल्टर्ड हो जाते हैं, तो ये सारे मैकेनिज्म बताए हैं, अलग अलग चीज़ें दिखाई दे सकती है। ये टारगेट का भी पॉइंट है, ये देखिए टारगेट वो इनएक्टिवेटिंग एंजाइम, एंजाइम को इनएक्टिवेट कर दिया या इफ्लक्स पंप ने बाहर निकाल दिया, तो ये अलग अलग चीज़ें, इफ्लक्स पंप ने बाहर निकाल दिया वो ये वाला पॉइंट है, ये इफ्लक्स पंप इसको बाहर निकाल रहा है, ठीक है। अब एंटी माइक्रोबियल थेरेपी वर्क कैसे करती है, उसका जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है, शुड प्रिसीड एंटी माइक्रोबियल थेरेपी व्हेन पॉसिबल, भाई यही मेन काम है एंटी माइक्रोबियल थेरेपी का, पहले तो इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करें कि भाई हमें किल करना किसको है ना, हमारी सेल को ना कर दे, सिर्फ इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म को किल करें। इसके अलावा जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के प्रति ससेप्टेबल होते हैं, तो वो आप डिटरमाइन करिए कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो ससेप्टेबल होते हैं, तो सूटेबल टेस्ट उसके लिए लगा करके देखिए। कुछ प्रिंसिपल, सबसे पहले अपने को इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है, दूसरा अपने टेस्ट लगा करके देखें कि कौन कौन से एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के प्रति पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ससेप्टेबल होते हैं, मतलब किन पर दवाइयों का असर पड़ता है किन पर नहीं पड़ता, फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे चॉइस के ऊपर असर डालेंगे, जो हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट चूज़ करेंगे उसकी डोज कितनी देनी है, कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, कौन कितनी डोज में देनी है, पेशेंट की उस समय एज क्या है, उसकी रीनल और हिपैटिक फंक्शन कैसा चल रहा है, उसका प्रेगनेंसी स्टेटस कुछ है क्या, इन्फेक्शन हुआ है तो कहाँ पे हुआ है, ये सब फैक्टर्स होते हैं जो हमारे को ध्यान रखने पड़ते हैं दवाई चूज़ करते समय। इसके अलावा एम्पिरिक थेरेपी के भाई आपको आइडेंटिफाई
प्रायर टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्रिटिकली इल पेशेंट्स, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने से पहले आपको एम्पेरिक थेरेपी देखनी है जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं उनमें, देखने भाई कौन सी थेरेपी उनको चल रही है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म ससेप्टिबिलिटी टू द एंटीबायोटिक, भाई ऑर्गेनिज्म उस एंटीबायोटिक के प्रति कितना ससेप्टिबल है। पेशेंट फैक्टर्स क्या है, भाई पेशेंट का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वीक है, उसको रीनल हिपैटिक फंक्शन सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, ये जो अभी पहले पॉइंट्स पढ़े थे वही सारे अपन यहाँ पर देख रहे हैं। इन्फेक्शन की साइट पर थेरेपी का क्या असर पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ साइट ऑफ इन्फेक्शन ऑन थेरेपी, कि भाई थेरेपी दे रहे हैं तो वो थेरेपी उस जगह पर कैसा असर दिखाएगी, जैसे भाई ब्लड ब्रेन बैरियर को वो क्रॉस कर सकती है या नहीं कर सकती है। सेफ्टी ऑफ द एजेंट, वो एजेंट की सेफ्टी भी अपन को देखनी है, थेरेपी की कॉस्ट भी देखनी है भाई कितनी महंगी है कितना कितनी सस्ती पड़ रही है कैसी है वो देखना है। अब आइडियल एंटी माइक्रोबियल एजेंट किसको अपन आइडियल मांगे, कौन सी दवाई को अपन कहेंगे कि ये बेस्ट दवाई है या ये दवाई ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये कैसा कहेंगे, ये इस पॉइंट्स के बेसिस पर अपन कहेंगे। हैव हाईली सेलेक्टिव टॉक्सिटी टू द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन होस्ट बॉडी, कि वो होस्ट बॉडी में माइक्रो जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है केवल उन्हीं के लिए ही वो टॉक्सिक हो, हाईली सेलेक्टिव टॉक्सिटी वो शो करे, केवल उन्हीं के लिए टॉक्सिक हो औरों पर असर ना दिखाए, ये पहला पॉइंट होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के साथ साथ में हमारे को हमारी सेल्स को भी किल कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, होस्ट के ऊपर उसकी टॉक्सिसिटी या तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए या बहुत कम होनी चाहिए है। रेजिस्टेंस डेवलप करने की भी एबिलिटी कम हो भाई, ऐसा नहीं हो कि ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस डेवलप कर ले तो दवाई लेने का मतलब ही नहीं रह जाएगा। उस दवाई से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यानी एलर्जिक रिएक्शन भी होस्ट में नहीं होनी चाहिए, टिश्यू में वो जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो सके, दूसरी ड्रग के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए भी वो फ्री हो और सस्ती पड़े भाई ताकि आम लोग उसको खरीद सकें। तो ये सारे पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो किसी एंटी माइक्रोबियल एजेंट को आइडियल बनाते हैं। अब एंटीबायोटिक थेरेपी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, अगर एंटीबायोटिक का यूज़ अगर सही तरीके से नहीं किया गया तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, तो ये एक तरह की कॉम्प्लेक्सिटी है। या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है जैसे पेनिसिलिन से हो जाती है, डायरेक्ट टॉक्सिसिटी भी हो जाती है कई बार, जैसे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स है वो हमारे कानों के लिए टॉक्सिक होते हैं अगर ज़्यादा ले लिए जाए तो ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज हो जाती है। और लास्ट, सुपर इन्फेक्शन, सुपर इन्फेक्शन में क्या होता है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं कॉज ऑल्टरेशन ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा, क्योंकि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के तो वो ना केवल इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं बल्कि हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फ्लोरा है, जैसे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ईकोलाई पाया जाता है, हमारे मुंह के अंदर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, तो ये जो नॉर्मल फ्लोरा है उनको भी वो अल्टर कर देता है, तो ऐसे में फिर ट्रीट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि भाई वो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए ज़रूरी थे और उन्होंने उसको भी किल कर दिया, तो ये तो हमारे लिए नुकसान की बात है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी के अंदर। अब एंटी माइक्रोबियल का कॉम्बिनेशंस, हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो कॉम्बिनेशन में दे रहे होते हैं, तो कॉम्बिनेशन थेरेपी का क्या रिजल्ट होता है, तो कॉम्बिनेशन थेरेपी से एक तो एडिटिव इफेक्ट पड़ता है, दूसरा सिनर्जिस्टिक, तीसरा एंटागोनिस्टिक, या तो वो एडिटिव मिलकर के कोई वर्क करेंगे सिनर्जिस्टिक प्रभाव को बढ़ा देंगे और एंटागोनिस्ट किसी के प्रभाव को कम कर देंगे, एक ड्रग दूसरे ड्रग के प्रभाव को कम कर देती है एंटागोनिस्ट, एक ड्रग दूसरे ड्रग के प्रभाव को बढ़ा देती है सिनर्जिस्टिक, और दोनों मिलकर के एक असर दिखा रही हैं तो एडिटिव इफेक्ट, इसको इनडिफरेंट इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें दो ड्रग्स की एक्टिविटी कॉम्बिनेशन में इक्वल होकर के यानी सम होकर के मिल करके अपना असर दिखा रही है, ऑफ देयर इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी के कंपैरिजन में इक्वल होकर के सम होकर के अपना इफेक्ट दिखा रही है। अगर अपन उनको सेपरेटली स्टडी करें तो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी दिखाएंगे, साथ दे दें तो मिल करके अपना असर दिखाएगी। सिनर्जिस्टिक में दो ड्रग्स की एक्टिविटी कंबाइंड होकर के ग्रेटर टू द सम, जुड़ करके जो असर दिखा रही है उससे भी ज़्यादा ये अपना असर दिखाएगी, जोड़ने से जो असर हो रहा है उसका इक्वल तो एडिटिव इफेक्ट और उससे ग्रेटर है वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, जो वो इंडिविजुअल दिखा रही थी उसके सम से जो दिखेगा उससे ज़्यादा असर दिखाएगा। एंटागोनिस्टिक जब दो ड्रग्स को कंबाइन कर रहे हैं और सम से लेस इफेक्ट दिखा रही है, सम से लेस यानी जोड़ का कम असर है, तो इसको एंटागोनिस्टिक कह दिया। अब इंडिकेशंस फॉर द क्लिनिकल यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल कॉम्बिनेशन, तो अपन को एंटी माइक्रोबियल कॉम्बिनेशन का यूज़ क्लिनिकली कब कहाँ कैसे करना है उसका इंडिकेशन देखिए।
रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म एमरजेंस को रोकने के लिए करना है भाई, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म ना बन जाए, उसका एमरजेंस ना, उसको रोकने के लिए किसी में पॉली माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक साथ इन्फेक्शन हुआ है, तब भी अपन कॉम्बिनेशन में देते हैं ड्रग्स, इनिशियल थेरेपी में भी दे सकते हो टॉक्सिटी को कम करने के लिए और सिनर्जिज्म के लिए दे सकते हैं। अब एमरजेंस का प्रिवेंशन कैसे किया जाता है भाई रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म में, तो डिक्रीज रेजिस्टेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस विद कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के द्वारा अपन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के रेजिस्टेंट को कम कर सकते हैं, बीटा लैक्टमेज इंडक्शन को कम कर सकते हैं। बीटा लैक्टमेज वो एंजाइम था ना जिसने उस ड्रग को तोड़ दिया था, अगर अपन बीटा लैक्टम एजेंट के साथ में अमाइनो ग्लाइकोसाइड बना मिला दे तो लैक्टमेज उस पर असर नहीं दिखा पाता, उसको तोड़ नहीं पाता है बीटा लैक्टम। पॉली माइक्रोबियल इन्फेक्शन में जैसे इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन हुआ हो, एक साथ कई ऑर्गेनिज्म घुस गए होंगे कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से, या पैल्विक का इन्फेक्शन हुआ होता है मेल फीमेल्स के अंदर, तब भी ऐसा होता है भाई कई ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो गया, या मिक्स्ड एरोबिक एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो गया हो, तब भी अपने को कॉम्बिनेशन में दवाई देनी पड़ती है भाई। एक साथ एरोबिक बैक्टीरिया भी आ गए और एनएरोबिक भी, एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, एनएरोबिक उसकी एब्सेंस में ग्रो करते हैं, और इनका एक साथ इन्फेक्शन हुआ है तो अपन कॉम्बिनेशन में ड्रग देते हैं। इनिशियल थेरेपी जैसे न्यूट्रोपिनिक पेशेंट्स होते हैं, न्यूट्रोपिनिक पेशेंट्स जिनमें न्यूट्रोफिल का नंबर कम होता है तो उनमें अपन कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं, या पेशेंट जिनके अंदर नेचर ऑफ इन्फेक्शन अभी तक हमारे को पता ही नहीं चल रहा है किस तरह का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें जो इनिशियल थेरेपी देनी है तो हमें पता तो है नहीं, तो फिर हम एक साथ दो तीन एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन उसको दे देते हैं। डिक्रीज टॉक्सिटी, टॉक्सिक ड्रग, ड्रग की जो टॉक्सिटी वो कम करने के लिए ज़रूरी है, रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है कि अपने टॉक्सिटी, टॉक्सिक ड्रग्स को अपन करें कम करें, तो उसकी डोज जो है दस रिड्यूस द डोज रिलेटेड टॉक्सिटी, तो अपन डोज को कम करके उसकी टॉक्सिटी को कम कर सकते हैं। सिनर्जिज्म भाई बढ़ा देता है, क्या आप अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को बीटा लैक्टम एजेंट्स के साथ में मिला करके लेंगे तो वो उसके अपटेक को एनहांस कर देगा, जैसे एंटीरोकोकल एंडोकार्डाइटिस का ट्रीटमेंट करना होता है तो एम्पेसिलिन और जेंटामाइसिन देते हैं, विरिडन स्ट्रेप्टोकोकल, ये अपने मुंह का बैक्टीरिया मैंने अभी बताया ना मुंह में भी अपने पाया जाता है, तो विरिडन स्ट्रेप्टोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकल विरिडन्स नाम है जिसका, उसकी वजह से अगर एंडोकार्डाइटिस हुआ तो पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन दी जाती है। एंडोकार्डाइटिस अगर एंटीरोकोकल हुई तो एम्पेसिलिन जेंटामाइसिन, और एंडोकार्डाइटिस अगर विरिडन की वजह से हुई तो पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन, और स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरीमिया स्टेफाइलोकोकाई की वजह से अगर ब्लड का इन्फेक्शन हो गया तो वैंकोमाइसिन और जेंटामाइसिन दे सकते हो। स्यूडोमोनास के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए अपन बीटा लैक्टम एजेंट्स और अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स दे सकते हैं। सीक्वेंशियल स्टेप्स को इनहिबिट करने के लिए जैसे सल्फोनामाइड को ट्राइमीथोपरिन के साथ में दे सकते हैं, ये क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को, टाइफाइड फीवर को, शाइजिलोसिस को प्रिवेंट करने और ट्रीट करने के काम में आता है। शाइजिलोसिस कॉज बाय ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट टू एम्पेसिलिन, एम्पेसिलिन दवाई का जिन ऑर्गेनिज्म पे असर हो नहीं रहा है उन ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर यूटीआई, टाइफॉइड, शाइजिलोसिस कॉज हो रहा है तो उसके अंदर अपन सल्फोनामाइड और ट्राइमीथोपरिन दे सकते हैं, यह एंजाइमेटिक एक्टिवेशन को इनहिबिट कर देता है। अब अगर ये एंटी माइक्रोबियल कॉम्बिनेशन जो अपन ने काम में लिया अगर इसका यूज़ सही ना किया जाए, इन अप्रोप्रिएट यूज़ हो तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, तो पहला एंटागोनिज्म यानी एक दवाई दूसरी दवाई के असर को ख़त्म कर देगी, दूसरा वो महंगी पड़ सकती है, तीसरा उसका एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देंगे, बुरे प्रभाव दिखाई देंगे, और चौथा सुपर इन्फेक्शन होने का डर रहता है क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा बदल जाएगा तो हमारा नॉर्मल फ्लोरा बदलते हमें दूसरे इन्फेक्शन होने के खतरे बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में अपन ट्रीटमेंट और नहीं कर पाते हैं, ऐसी कंडीशन का ट्रीट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। अब एंटीबायोटिक की क्लासेस देखिए भाई, मेन क्लासेस एंटीबायोटिक्स ही बीटा लैक्टम्स, मैक्रोलिड्स, कीटोलिड्स, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, फ्लोरोक्विनोलॉन्स और टेट्रासाइक्लिन एम्फेनिकॉल्स। बीटा लैक्टम है पेनिसिलिन, सिफलोस्पोरिन, कार्बापेनम्स और मोनोबैक्टम्स आती है, आपको याद हो जानी चाहिए, इतनी बार नाम आ चुके हैं, रट्टा मार लो बीटा लैक्टम में कौन कौन सी आती हैं, तो बीटा लैक्टम के अलावा मैक्रोलिड्स वगैरह हैं। अब सबसे पहले अपन पेनिसिलिन पढ़ रहे हैं, पेनिसिलिन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि पेनिसिलिन पे अलग से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। पेनिसिलिन सबसे ओल्डेस्ट क्लास है एंटीबायोटिक्स की, कॉमन केमिकल स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर जो कि सिफेलोस्पोरिन के साथ भी शेयर होता है,
पेनिसिलिन जनरली बैक्टीरियसाइडल होते हैं, यानी बैक्टीरिया को किल करती है क्योंकि ये बैक्टीरिया को सेल वॉल बनाने नहीं देती है। पेनिसिलिन स्किन इन्फेक्शन में डेंटल इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई और गोनोरिया का इन्फेक्शन जो एसटीडी होती है उसको ट्रीट करने के लिए अपन पेनिसिलिन को काम में लेते हैं। पेनिसिलिन कई तरह की आ सकती हैं, जैसे नेचुरल पेनिसिलिन जिसमें पेनिसिलिन जी होती है, या पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन जिसमें मेथिसिलिन और ऑक्सासिलिन आती है, तीसरा अमाइनो पेनिसिलिन जिसमें एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन आती हैं। अब पेनिसिलिन लेने के साइड इफ़ेक्ट्स, पर्सन को डायरिया अगर ज़्यादा ले लिया आपने तो डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है और पेट ख़राब हो सकता है। रेयर केसेस में पेनिसिलिन जो है वो एलर्जिक रिएक्शन भी कॉज करती है, दोनों तरह की, इमीडिएट भी और डिलेड एलर्जिक रिएक्शंस भी। स्पेसिफिकली स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, बुखार चढ़ता है, एनाफाइलैक्टिक शॉक में पर्सन पहुँच जाता है। पेनिसिलिन आर क्लास एज कैटेगरी बी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान ये कैटेगरी बी की ड्रग मानी जाती हैं, क्योंकि अपन ड्रग्स को कैटेगराइज करते हैं कि कौन सी ड्रग्स प्रेगनेंसी में देनी चाहिए कौन सी नहीं देनी चाहिए। जैसे एक्स ड्रग्स जो होते हैं कैटेगरी एक्स के, वो नहीं दी जाती हैं, जो टीराटोजेनिसिटी कॉज करती हैं। तो इसके साथ आपका पेनिसिलिन नाम का टॉपिक ख़त्म। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है सिफेलोस्पोरिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल पेनिसिलिन के जैसा होता है, ये भी बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को इंटरफेयर करती है, इसलिए इसका भी कैसा बैक्टीरियसाइडल इफेक्ट ही होता है। सिफेलोस्पोरिन को अपन न्यूमोनिया को ट्रीट करने में, स्टेप्ट थ्रॉट जिसमें स्टेप्टोकोकस की वजह से थ्रॉट ख़राब हो जाता है उसके लिए भी लेते हैं, स्टेफेलोकोकस के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, टॉन्सिलाइटिस किसी को हो गया हो, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन, ओटाइटिस मीडिया, मिडल ईयर का इन्फेक्शन हो गया हो, कई तरह के स्किन इन्फेक्शन के लिए, गोनोरिया के लिए और यूटीआई को ट्रीट करने के लिए भी सिफेलोस्पोरिन को काम में लेते हैं। ये ऐसी एंटीबायोटिक है जो सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस में कॉमनली काम में ली जाती है। सर्जरी से पहले अपन ये मेडिसिन उसको देते हैं, पर्सन को जिसकी सर्जरी होने वाली है। सिफेलेक्सिन का यूज़ आजकल बोन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी काम में लिया जाता है। अब फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, ये दे पजस जनरली एक्सीलेंट कवरेज अगेंस्ट मोस्ट ग्राम पॉजिटिव पैथोजन। अधिकतर ग्राम पॉजिटिव पैथोजन के लिए अपन फर्स्ट जनरेशन के सिफेलोस्पोरिन काम में ले सकते हैं, पर ये ग्राम नेगेटिव पैथोजन को ज़्यादा कवर नहीं करती। फर्स्ट जनरेशन में सिफेराडिन आती है जिसको अपन वेलोसेफ भी कहते हैं, सिफेलेक्सिन, सिफेड्रोक्सिल, ये ड्रग्स आती हैं, सिफेराडिन, सिफेलेक्सिन, सिफेड्रोक्सिल, तीन ड्रग्स फर्स्ट जनरेशन में आती है। सेकेंड जनरेशन ग्राम पॉजिटिव स्पेक्ट्रम तो दिखाती ही है फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन की तरह, इसके अलावा ये ग्राम नेगेटिव स्पेक्ट्रम भी दिखाती है, इसलिए इसको सेकंड जनरेशन ही कहते हैं। भाई सेकंड जनरेशन अपन ऐसी डेवलप करी जो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए अच्छी थी। सिफोक्सिटिन और सिफोटैटिन की अच्छी एक्टिविटी होती है बैक्टीरॉइड्स फ्रेजिलिस के अगेंस्ट में। सेकंड जनरेशन में सिफेक्लोर और सिफेरोक्साइन ड्रग्स आती है। थर्ड जनरेशन के अंदर और भी एक्सपेंड हो गए, ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ गई। हालांकि कुछ मेंबर्स ग्रुप के जो है वो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पर उतने अच्छे असर नहीं दिखा पाते, पर फिर भी मोस्टली ये दोनों को कवर कर लेते हैं। और कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसका एडवांटेज है, आराम से अपन पेशेंट को दे सकते हैं, पर ये काफ़ी महंगे आते हैं। इसके अंदर सेफ्टाजाडिम, सिफेक्सिम, सिफोपेराजोम, सिफोटॉक्सिम, सेफ्ट्राइक्सोम और सेफिडिनिर नाम की ड्रग्स आती हैं। फोर्थ जनरेशन के अंदर एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एजेंट है, सिमिलर एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में जैसे फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन दिखाई थी वैसे ही दिखाती है, पर बीटा लैक्टमेज के रेजिस्टेंस, दे ऑल्सो हैव अ ग्रेटर रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टमेज, बीटा लैक्टमेज के लिए भी इसका रेजिस्टेंस होता है थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन के कंपैरिजन में। बहुत सारी फोर्थ जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन जो है वो ट्रिपल बी को क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए मेनिनजाइटिस के लिए भी ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके अंदर अपन सेफेपाइम ड्रग पड़ते हैं जिसको अपन मैग्जीपाइम भी कहते हैं, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन के अंदर मरसा के लिए अपन, इसमें अपन ने मेडिसिन बनाई थी मरसा को ट्रीट करने के लिए, मैसेज रेजिस्टेंट स्टेफेलोकोकस ऑरियस। इसके अलावा पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के लिए भी ये
बड़ी अच्छी मानी जाती है। स्यूडोमोनास एरुजिनोसा के लिए और एंटीरोकोकाई के लिए भी ये ड्रग काफ़ी अच्छी मानी जाती है। फिफ्थ जनरेशन में सेफ्टोरालिन और सेफ्टोबाइप्रो ड्रग्स आती हैं। अब इस सिफेलोस्पोरिन के भी भाई बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। 5 जनरेशन तो इसकी आ गई। इसके साइड इफ़ेक्ट में डायरिया, नोजिया और थोड़ा बहुत ये पेट को ख़राब कर देती है। 5 से 10% पेशेंट्स के अंदर तो एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी भी हो जाती है पेनिसिलिन जैसी के लिए, और ये क्रॉस रिएक्टिविटी भी दिखाती है सिफेलोस्पोरिन के साथ में पेनिसिलिन। सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक जो है वो प्रेगनेंसी के लिए कैटेगरी बी की ड्रग मानी जाती है। इसके साथ ही आपकी सिफेलोस्पोरिन नाम की ड्रग यहीं पे ख़त्म होती हैं। एंटीबायोटिक्स हमने आज आधा पढ़ा है, आधा हम नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग एंटीबायोटिक्स हैं और अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए।